दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सैमसंग के किसी भी मोबाइल का पिन, पैटर्न, पासवर्ड और एफआरपी लॉक, दोस्तों इन सभी लॉक को एक साथ अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बिल्कुल नया तरीका बताया है सैमसंग मोबाइल को अनलॉक करने का। इसकी मदद से आप अपने सैमसंग के किसी भी मोबाइल को बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास में सैमसंग कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो ए सीरीज को, एम सीरीज को, एफ सीरीज को, दोस्तों किसी भी सीरीज का हो, और दोस्तों अगर आपके सैमसंग के किसी भी मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, पिन लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, पासवर्ड लॉक हो, दोस्तों कोई भी लॉक हो, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सैमसंग के किसी भी मोबाइल का लॉक बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने सैमसंग के मोबाइल को अनलॉक करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। दोस्तों बस वीडियो को ध्यान से देखें, और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहता हूँ। और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे पास में आज ये सैमसंग का फ़ोन आया है, तो दोस्तों इसमें पिन लॉक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो सैमसंग के किसी भी मोबाइल का लॉक कैसे अनलॉक करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों हमें क्या करना है, दोस्तों अगर मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज़ ओपन नहीं होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज़ ओपन नहीं होती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहे, और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अपने फ़ोन को ऑफ़ करने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तों मेरा फ़ोन यहाँ पे ऑफ़ भी नहीं होता है, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमें क्या करना है, दोस्तों हमें वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहें, और दोस्तों जब हमारे फ़ोन की स्क्रीन ऑफ हो जाए तो फिर हमें तीनों बटन को छोड़ देना है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहें। दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आप कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहें। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप सैमसंग के किसी भी मोबाइल का लॉक बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हो, बस दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों हमारे जो फ़ोन है यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो ऑन होने वाला है। दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों आपको इमरजेंसी में क्लिक करना है, और दोस्तों आपको यहाँ पे एक कोड डालना है। दोस्तों जो कोड आपको बताऊँगा दोस्तों वो बिल्कुल 101% वर्किंग कोड है, दोस्तों बिल्कुल रियल कोड है। बस उस कोड को दोस्तों आपको सही से डालना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है *1543789238097942#। और दोस्तों ये टाइप करने के बाद हमें ओके इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें फिर से वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। अब दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, अब वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करना। दोस्तों फिर तीनों बटन छोड़ के वॉल्यूम डाउन और पावर की प्रेस करें, फिर दोस्तों पावर की छोड़ देनी है। दोस्तों अब वीडियो को ध्यान से देखते रहें, अब वीडियो को थोड़े भी स्किप न करें। दोस्तों अगर आपका फ़ोन इस तरीके से चालू हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, दोस्तों फिर आपको
दोस्तों अगर आपका फोन इस तरीके से चालू हो जाए तो फिर से आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। फिर तीनों बटन सॉरी दोस्तों हमें जल्दी से वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की इन तीनों बटन को फिर से एक साथ प्रेस करके रखना है। फिर तीनों बटन छोड़िए, वॉल्यूम अप और पावर की प्रेस करें, फिर पावर की छोड़ देनी है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखते रहें। दोस्तों हमारे जो फ़ोन है वो रिकवरी मोड में आ चुका है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वरना आप अपने फ़ोन के FRP लॉक बाईपास नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों अब हमें वॉल्यूम डाउन वाली की प्रेस करनी है। फिर दोस्तों फैक्ट्री सेट पे लाके पावर की प्रेस करें, फिर वॉल्यूम डाउन, फिर पावर की। तो दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो फॉर्मेट हो चुका है, ये आप देख सकते हो। अब दोस्तों हमें क्या करना है, दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वरना आप अपने फ़ोन का FRP लॉक बाईपास नहीं कर पाओगे, मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो अब दोस्तों हमें पावर की दबा के अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन को चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहे। दोस्तों हमारे जो फ़ोन है वो चालू हो चुका है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर एग्री पे क्लिक करें, फिर एग्री। फिर इसको ऊपर करें, फिर इस पे क्लिक करें, फिर स्कीप। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक आ जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर स्कीप करें, फिर डोंट कॉपी, फिर नेक्स्ट करें, फिर इसको ऊपर करें, फिर इस पर क्लिक करें, फिर स्कीप, फिर स्कीप। फिर नेक्स्ट, फिर स्कीप, फिर स्कीप, फिर फिनिश। तो दोस्तों हमारे फ़ोन में जो लॉक था वो अनलॉक हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ऊपर करें, ओके क्लिक करें, फिर एग्री करें। दोस्तों अभी देख सकते हो हमारे फ़ोन में जो लॉक था वो अनलॉक हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी।